फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमको जानना है व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। हम बहुत सारे रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल दिस रिएक्शन वी हैड ऑलरेडी स्टडी। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन है दैट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज बीटा, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज गामा। हम बात कर रहे हैं हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये रिएक्शन जो है इसके अंदर में CH3, CH2, Br, इसको हम क्या बुलाएंगे, इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोइथेन, वन ब्रोमोइथेन कोई भी। सो जो भी हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन ग्रुप के साथ अटैच्ड कार्बन है, ये हो गया हमारा अल्फा। और इसके बाजू वाला जो कार्बन है दैट इज नोन एज बीटा। ओके, सो ये हो गया, हमको मालूम हो गया कि व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा। लेकिन यहां पे रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन कैसे होता है, व्हेनेवर अल्कोहलिक KOH हम यूज करते हैं, यहां पे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। व्हाई इज इट सो, मैं अभी बताऊंगा। अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट हमको मालूम है क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ब्रोमोइथेन में से इस क्या हो जाएगा कन्वर्ट, दैट इज कॉल्ड इथीन। डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन ग्रुप आ गया, सो इथीन हो जाएगा। लेकिन इसमें हुआ क्या, तो लिसन, इसमें हुआ यू कि जो अल्फा पोजीशन पे है कार्बन, यानी अल्फा ऊपर के में से हेलोजन है वो एलिमिनेट होता है, और बीटा में से एक हाइड्रोजन है, ये दोनों एलिमिनेट होते हैं। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम है हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। राइट, इसीलिए इसको बोला जाता है डी हाइड्रो, डी मीन्स रिमूवल, डी हाइड्रोजन हेलोजन रिएक्शन। यानी कोई भी हेलो अल्केन्स में से अल्फा पोजीशन पे है कार्बन जो है, उसमें से हेलोजन है वो एलिमिनेट हो रहा है, और बीटा में से एक हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2, और ये CH2 में से ये ब्रोमीन गया तो ये क्या बन जाएगा, ये भी CH2 ही है। सो CH3 वाला हाइड्रोजन है वो क्या बना देता है, डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। तो यहाँ पे एक बात होती है, ये तो वेरी सिमेट्रिकल अल्किन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट हैपेंड, बट जब 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो अल्केन्स रहे आप पढ़ चुके हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो अल्केन, तब क्या होता है, सो व्हेन दैट टाइम सेजेफ्स रूल्स इज अप्लाइड। सेजेफ्स रूल इज अप्लाइड, सेजेफ्स रूल क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले,
कि CH3 CH2 CH Br, ये हो गया CH3 टू ब्रोमो ब्यूटेन, टू ब्रोमो ब्यूटेन। नाउ से अकॉर्डिंग टू सेज़र रूल दो तरीके से इसका एलिमिनेशन हो सकता है। ये दो तरीके से जो एलिमिनेशन हो सकता है इसमें सबसे पहले बात करते हैं β1, इसको एक नाम दे देते हैं और इसको हम β2 नाम दे देते हैं एलिमिनेशन के लिए। अगर मान लेते हैं कि एलिमिनेशन जो हुआ वो है, वो इधर से हो रहा है, अगर ये तो डेफिनेटली ब्रोमीन तो रिमूव होने वाला ही है, HBr है वो रिमूव होगा ही, राइट, माइनस HBr, तो इसमें कैसे प्रोडक्ट बनेगा? सो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लाइक दिस β1 में, यहां से हुआ ब्रेक, तो ये हो जाएगा CH2। सपोज इस तरीके से ये इधर गया, उसकी जगह पे अगर इस तरफ जाएगा बॉन्ड तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड β2। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया हमारा ब्यूट वन इन, इसका नाम बन जाएगा ब्यूट वन इन, ये हो जाएगा ब्यूट टू इन, राइट। बट व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? सो फॉर दैट सेजर्स रूल इज अप्लाई। सेजर रूल क्या बोल रहा है कि मोर अल्किलेटेड चेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड मोर सिमेट्रिकल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहां पे बात करते हैं अगर ये अल्किलेटेड है, राइट, बट सिमेट्रिकल नहीं है, डबल बॉन्ड को हम क्रॉस करेंगे तो इस तरफ सिर्फ CH2 है और इस तरफ अल्किलेटेड चेन है वो ज्यादा है, यानी हमारा कैसे होगा, इस तरफ ऐसा ही है और इस तरफ हाथ लंबा है, समझ रहे हो? नीचे जो है डबल बॉन्ड से CH3 भी इस तरफ है, CH3 भी इसे, सो परफेक्ट सिमेट्रिकल है, परफेक्ट है वो, सो इसीलिए ब्यूट टू इन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ब्यूट वन इन वुड बी द माइनर प्रोडक्ट। सो इन दिस केस मोर अल्किलेटेड मोर सिमेट्रिकल, लेस अल्किलेटेड लेस सिमेट्रिकल, सो मेजर प्रोडक्ट विल बी मोर अल्किलेटेड एंड मोर सिमेट्रिकल। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा सेजर रूल। सेजर रूल के हिसाब से जो मोर अल्किलेटेड चेन है वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो मोर सिमेट्रिकल है वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसमें से ये मेजर है ये सिमेट्रिकल है तो ये मेजर प्रोडक्ट देगा। क्लियर? हम अब आते हैं अल्कोहलिक KOH में। व्हाई अल्कोहलिक KOH इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एक्वियस KOH? अल्कोहलिक KOH क्या है, वो सब्स्टिट्यूट भी करेगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी करेगा और इट एक्ट्स एज बेस आल्सो, बेस हिसाब से ही बनेगा, जबकि एक्वियस KOH है इट एक्ट्स ओनली एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो बेस के हिसाब से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है वो यूज किया जाता है, ये खास याद रखना। ओके, तो ये हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक बहुत ही अच्छा एक इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, अल्फा के ऊपर से हेलोजन रिमूव हो रहा है, बीटा के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सेजर रूल मैंने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर लिया है, अगर बॉन्ड इस तरफ जाएगा तो ब्यूट वन इन प्रोडक्ट बनाएगा, बॉन्ड ब्रेक होकर इस तरफ गया लेफ्ट साइड पे सो टू इन बनाएगा,
ये मोर सिमेट्रिकल है, मोर अल्केलेटेड है, सो इट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, जो परब्यूटाडीन है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब एक और टॉपिक हम लेते हैं, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स जो है, इसमें आप बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स इसमें फर्स्ट जो आएगा, जो बहुत ही हम कॉमन यूज होता है, आरएक्स प्लस एमजी, क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा ड्राई इथर यूज होता है, तो ये बन जाएगा आर एम जी एक्स, अल्काई मैग्नीशियम हैलाइड। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं फटाक से, सी एच थ्री सी एच टू बी आर ले लिया, एम जी मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ड्राई इथर इज कैटलाइज, अब कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एम जी बी आर, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट। दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में ये यूज होता है आर एम जी एक्स, सो दैट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन की बात करते हैं हम, रिएक्शन विद लिथियम, डायरेक्ट लिथियम से हो जाता है कि सेकेंड सी एच थ्री बी आर प्लस लिथियम से हो जाता है, सो क्या होगा प्रोडक्ट? सो उसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट है कि यहां पे सी एच थ्री एल आई प्लस एल आई बी आर डायरेक्ट है, राइट। इसके बाद जो हमारा एक रिएक्शन आता है, दैट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। ये आपको याद रखना है, वन मार्क टू मार्क्स, वुड्स रिएक्शन। सी एच थ्री बी आर प्लस, ये टू होता है सी एच थ्री बी आर, इसमें सोडियम मेटल, बिकॉज एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन है, टू लिख देता हूं और सी एच थ्री बी आर। चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं, बी आर सी एच थ्री इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, अगेन ड्राई इथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। सो इसके अंदर क्या होता है, ये टू एन ए इतना ये रिमूव होता है, यानी रिमूव क्या हुआ, माइनस टू एन ए बी आर, दिस इज अवर बाय प्रोडक्ट, एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, सी एच थ्री और सी एच थ्री, जो ये बाकी बचा है ये दोनों, तो ये हो गया सी एच थ्री, सो दिस इज इथेन, ओके। सो दिस इज वुड्स रिएक्शन, सी एच थ्री बी आर सी एच थ्री बी आर एन ए twice NaBr remove हुआ by product, तो CH3 इथेन, this is called Wood's reaction, okay। इसके बाद है reduction कर सकते हैं हम nickel platinum palladium के साथ, same product इसके अंदर भी मिल रहा है,
रिडक्शन में CH3 CH2 Br है, उसका H2 यानी हो गया निकल है, पैलेडियम है या प्लेटिनम है, 525 केल्विन पे बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH3। रिडक्शन है तो हाइड्रोजन ऐड होगा, सो CH3 CH3 इथेन हो जाएगा, ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा और इथेन बन जाएगा। सिंपल है रिडक्शन में। इसके बाद जो है एक HI प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, एक HI है प्रेजेंस ऑफ रेड पी। रेड फास्फोरस के हिसाब से अगर हम जाएं तो इसमें सबसे पहले CH3CH2I प्लस HI CH3CH2I HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस CH3CH3 प्रोड्यूस होगा, I2 है, दैट इज अवर बाय प्रोडक्ट, राइट? ओके, एक और है दैट इज कॉल्ड जिंक कॉपर कपलिंग, जिंक कॉपर कपल, ZnCO कपलिंग इसको बुलाते हैं। जिंक कॉपर में क्या होता है कि CH3CH2Br सेम CH3CH2Br इसमें जिंक कॉपर कपलिंग हम यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस H, ऐसे लिखा जाता है, दैट इज नोन एज नेस्केंट हाइड्रोजन। नेस्केंट हाइड्रोजन मींस व्हाट? द हाइड्रोजन इज रिमेनिंग आफ्टर सम रिएक्शन, दैट इज नोन एज नेस्केंट हाइड्रोजन। जैसे नेस्केंट ऑक्सीजन भी होता है, तो ये इसमें जिंक कपलिंग यूज होता है ZnCU इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये यूज होता है जो कन्वर्ट करता है CH3 बॉन्ड CH3 में, यानी इथेन में अल्टीमेट कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है? CH3 CH Br CH3 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट होता है, ये पोजीशन है सिर्फ चेंज हो जाती है और कुछ नहीं, दैट इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम इज गोइंग टू बी चेंज्ड, दैट इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 ये चेंज हो जाएगा CH2 CH2 Br। ये पोजीशन इस तरफ आ गई, इसलिए CH3 CH2 Br। और दूसरा है उसी तरीके से, अगर 1 डिग्री है CH2 Cl और इसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये 1 डिग्री का CH3 CH Cl, यहाँ पे CH3 इस तरीके का हो जाएगा, ये एक और बनाते हैं तो ही स्टेबिलिटी आएगा, चलो, राइट? सो CH3 CH2 CH2 Cl ये 1 डिग्री हो गया और ये 2 डिग्री हो गया, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ हैलोजन एटम, दैट इज नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, जिसमें हमने देखा एक रिग्नार्ड मैग्नेशियम के साथ, लिथियम के साथ, वुड्स रिएक्शन देख लिया, रीअरेंजमेंट देख लिया, रिडक्शन देख लिया, कपलिंग और विद रेड फास्फोरस, राइट? तो ये रिएक्शन आपको सिर्फ याद रखने हैं जो कहां से कौन सा कन्वर्जन होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट है और आखिर है फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आई होप कि ये टॉपिक, दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे।
सो अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना, राइट? थैंक यू।